सबसे पहले आदरणीय अखिल जी आपका बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों को अपने सीएसपी तंत्र से जोड़ने का मौका दिया है। यहाँ जितने भी सीएसपी मौजूद हैं, ये इनमें से कई लखनऊ सर्कल से भी आए होंगे, क्योंकि 2022 से जब मैं लखनऊ सर्कल ज्वाइन किया और एफआई का काम देख रहा हूँ, तब से मैंने देखा कि हमारे स्टेट में जो दो बड़े प्लेयर हैं उनमें से संजीवनी पटना से है और अच्छा काम करने की पोटेंशियल है, बट पोटेंशियल को कम्प्लीटली रियलाइज नहीं किया जा रहा था। मैं अमूमन जनरल बातों पर नहीं बात करूंगा, क्योंकि हमारे प्रीडेसेसर्स सक्सेना जी और आशुतोष झा जी ने बहुत कुछ बोला है। सक्सेना जी की एक बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इंतज़ार मत कीजिए कस्टमर के आने का, आपको यू हैव टू कम आउट ऑफ योर शेल, नहीं तो जो पीसीओ का हाल हुआ है हमारे सीएसपी केंद्रों का वही हाल होगा। तो इसको गांठ बांध के रख लें कि आपको बाज़ार का विस्तार करना है, यू हैव टू गो आउट ऑफ योर शेल। जहां साप्ताहिक बाज़ार लगता हो वहां पर आप लैपटॉप लेके पहुंच जाएं, वहां भी अपॉर्चुनिटी है। लोन सोर्सिंग, क्रॉस सेलिंग, जैसे कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इन सभी चीज़ों में आने वाले टाइम में आपकी आमदनी का जरिया बनेगा, इसलिए उन बातों पर बहुत ज़्यादा नहीं बात करूँगा। एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया लखनऊ सर्कल में कि हमारे सीएसपी में अथाह पोटेंशियल है, इस हद तक है कि एक सीएसपी को प्रेरित करके एक महीने में मैंने 400 से ऊपर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा दिए। उन 400 रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का फ़ायदा मैंने ऐसे समझाया कि हर ट्रांजैक्शन के साथ कस्टमर को आप सेविंग्स के पासबुक अपडेट करके दे सकते हैं, आरडी के पासबुक अपडेट करके दे सकते हैं और ट्रांजैक्शन की इनकम, इन तीनों को मिलाकर एक कस्टमर आपको प्रति माह 13 से 15 रुपए की आमदनी देगा। उस सीएसपी का नवंबर में जो बिलिंग होता था 11,000, मार्च में आकर 21,000 की बिलिंग हो गई है। इतने कम समय में सिर्फ प्रेरणा देकर और उत्साहवर्धन करके अगर 11,000 को 21,000 ला सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट डबल है। एक दूसरी चीज़ जो मैंने उन लोगों को बताई वो कि हम अपने बैनर्स में अमंग सो मेनी थिंग्स छोटा सा लिखे रहते हैं माइक्रो एटीएम, जो शायद उनकी आम आदमी की अटेंशन को नहीं ड्रॉ करता है। मैंने उनको प्रेरित किया कि कुछ मत लिखिए, एक बड़े से लाल कलर के अक्षर से एटीएम लिखिए और एक तीर का निशान बना दीजिए, और ये तीर के निशान वाला जो पोस्टर है उसको इतनी जगह लगाइए कि बंदा एटीएम देखकर ढूंढ ढूंढ कर आपके परिसर तक पहुंच जाए। उसे माइक्रो एटीएम भ्रमित कर देता है। माइक्रो एटीएम शब्द जो है ना, ये हमारे बैंकिंग पैरलेंस में माइक्रो एटीएम है, कस्टमर को सिर्फ एटीएम समझ में आता है। इसका भी फायदा ये हुआ कि जो सीएसपी माइक्रो एटीएम लगा के बैठे थे, जिनको दिन में एक आध ट्रांजैक्शन गलती से हो जाया करता था, या कभी कभी हमारी तरफ से माइक्रो एटीएम एक्टिवेट करने की जब पेशकश होती थी तब एक आध ट्रांजैक्शन खुद का कर दिया करते थे, वहाँ कस्टमर फुटफॉल 10 से 15 बढ़ गया। तो इस तरीके की छोटी छोटी बातों से आप सब लोग लाभान्वित होंगे। मैं समझता हूँ कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का जो प्रिंसिपल है, वो इनोवेशन जो है लखनऊ सर्कल का है, वो पूरे कंट्री में जाएगा और इससे अधिक से अधिक सीएसपीज की आमदनी बढ़ाने में सहायक होगा। अब मैं तरुण जी की बातों पे आता हूँ। तरुण जी ने बहुत बढ़िया कहा है कि यू हैव टू रीच आउट टू द कस्टमर्स। तो अब समय आ गया है कि अपने सीएसपी केंद्र तक आप लोग लिमिटेड ना रहें और सिर्फ ट्रांजेक्शन बेस्ड अर्निंग्स से ऊपर उठें, और ये तभी संभव है क्योंकि एक ही आदमी ट्रांजैक्शन भी करे और पासबुक भी अपडेट करे, ये दोनों चीज़ संभव नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक सब क्यों को आप हायर करने की कोशिश करें। दो व्यक्ति की के सिस्टम से आप क्योस्क चलाएंगे तो आपकी आमदनी जो है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, एयरटेल का टैगलाइन है वैसे तो, बात करने से बात बनती है, तो आप लोग अपने कस्टमर से बात करने में थोड़ा समय व्यतीत कीजिए। उसके लिए एक और प्री रिक्विजिट है कि आप अपने सेंटर्स को जितना अधिक जल्दी खोलेंगे उतना अधिक आपके पास स्प्रेड रहेगा, रश स्प्रेड रहेगा, आपको टाइम मिलेगा, आप अपने कस्टमर से बढ़िया से बात कर पाएंगे।
बढ़िया से बात कर पाएंगे, उनके हित की बात जब तक नहीं बताएंगे, आरडी के क्या फ़ायदे हैं, एसटीडीआर के क्या फ़ायदे हैं, इंश्योरेंस के क्या फ़ायदे हैं, दबाव में आकर कोई तरीके का अनएथिकल काम ना करें। लॉन्ग टर्म में एथिक्स ही आपका साथ निभाता है। इन सभी विषयों पर सभी लोगों ने कुछ न कुछ अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं भी इन्हीं मुद्दों पर बात करूंगा और आप चाहूंगा कि इन मुद्दों को आप स्ट्रांगली अपने साथ बाइंड करके रखें। एथिक्स, बिजनेस विद एथिक्स, बिजनेस विद कंप्लायंस एंड रीच आउट टू द पीपल। विद दीज वर्ड्स आई से थैंक्स टू संजीवनी विकास फाउंडेशन फॉर हैविंग इन्वाइटेड मी हियर एंड गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं इतने सारे लोगों को एक साथ अपने विचार बता सकूं, और इसमें से कुछ लोग भी इसका अनुपालन करते हैं, इसको अपने कार्यकलाप में, दैनिक कार्यक्रम में शामिल करते हैं, तो आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा उनकी आमदनी की बढ़ोतरी होगी। थैंक यू।